बाल मित्र, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। ऐसा हो सकता है कि तुम खतरे में हो, पर मैं ना हूं। मुझे कुछ भी हो जाए पर मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। बाल मित्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। प्रचंडिका मस्तिष्क के द्वारा हम सबकी दिमागी शक्ति की मदद से एक बहुत तेज दिमाग वाला कंप्यूटर बनाना चाहती है, जिसकी मदद से उसे ये पता चल जाएगा कि बालवीर का अंत कैसे किया जा सकता है। पर हम ऐसा नहीं होने देंगे बाल सखी, उसके पहले हम उसका अंत कर देंगे। लेकिन बाल मित्र, मेरा सपना पूरा हुआ, मेरा आविष्कार पूरा हो गया प्रचंडिका। अब सबको मानना पड़ेगा कि मस्तिष्क बेस्ट है बेस्ट। थैंक यू प्रचंडिका, तुम्हारी वजह से मेरे कंप्यूटर सोच का दिमाग बालवीर के दिमाग से तेज दौड़ेगा। और दुनिया मस्तिष्क के सामने सर झुकाएगी। झुके हुए सर प्रचंडिका को बहुत अच्छे लगते हैं। मस्तिष्क प्रचंडिका सिर्फ बातों से खुश नहीं होती। दिखाओ मुझे जो तुम कह रहे हो वो सच है। हाँ, आओ तुम इस कुर्सी पे बैठो, क्योंकि इस कुर्सी पे जो बैठेगा वो उसी के सवाल का जवाब देगा। बहुत ये आपका जो साइकिल के पीछे छाता लेके भागने वाला प्लान था ना, एकदम करेले की सब्जी की तरह बेकार था। चुप कर, ना साइकिल वाला आइडिया तो एकदम फेंक था। बस छाते की इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, अब मैं छाते के लिए नया आइडिया सोचूंगा। बस इस बार आइडिया के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी लगा लेना, अच्छा होगा। अरे चुप कर, अगर नहीं कर सकता ना तो प्लीज कुछ आइडिया दे दे यार। बस ये रोहित है ना, रोहित दरवाजे पे आए भिखारी को कभी खाली हाथ जाने नहीं देता। मतलब आपको आइडिया चाहिए ना, ये रोहित देगा आपको आइडिया। रोहित तेरा दिमाग तो अच्छे से चलने लगा। हाँ मंटू बॉस, अब तो मोनिका 100% इम्प्रेस। मोनिका मजा आ रहा है। मोंटू यू आर सो स्वीट। मोंटू क्या हुआ बॉस, मारा क्यों? तेरे प्लान में थोड़ी गड़बड़ है पर मैं उसे दूर कर सकता हूँ। इससे मेरा प्लान फुल प्रूफ ही नहीं, वाटर प्रूफ भी हो जाएगा। पूछो प्रचंडिका, इससे जो पूछना है पूछो, हर सवाल का जवाब देगा ये। तो बताओ सोच, बताओ मुझे ऐसा तरीका जिससे बालवीर का अंत होता है।
तुम ये क्या सवाल पूछ रही हो प्रचंडिका? तुम तो सिर्फ बालवीर के दिमाग से तेज सोचना चाहती थी, उसकी दिमाग की शक्ति को मात देना चाहती थी तुम। फिर ये बालवीर के अंत का सवाल क्यों? मेरा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ दुनिया की भलाई के लिए बनाए, किसी के मारने वारने के लिए नहीं बनाए। मैं अपनी सोच को ऐसा नहीं करने दूंगा, ऐसा नहीं करने दूंगा मैं। अब इस कुर्सी पर मैं बैठी हूँ, अब ये कंप्यूटर मेरे नियंत्रण में, हर जवाब मेरे सवालों का गुलाम है। मैं अपने सोच को ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं इसे ऑफ कर दूंगा। ये धोखा है प्रचंडिका, तुम अच्छा नहीं कर रही हो। प्रचंडिका कोई अच्छा काम नहीं करती है, अच्छाई से नफरत है मुझे, नफरत। जल्दी बताओ मुझे बालवीर के अंत करने का तरीका। इंसान का दिमाग एक तय किए हुए स्वरूप में काम करता है, बालवीर के साथ भी ऐसा ही है। अगर उसके हर एक वार को ध्यान से देखो तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो पता चल जाता है, फिर उसके वार को नाकाम किया जा सकता है और उसे मात दी जा सकती है। अगर ऐसा है तो अब हमारे अंतिम युद्ध के लिए तुम्हारा मेरे सामने आने का इंतजार है। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। रोहित, लगता है फिर से बारिश आने वाली है और मैं चाहता हूँ कि मोनिका इस बारिश में एंजॉय करे। उसके लिए कुछ आइडिया सोच, आइडिया सोच। बॉस, एक काम करते हैं। बोल, पहले पिज्जा बर्गर खा लेते, क्योंकि वो क्या है ना, भूखे पेट भोजन ना हो गोपाला। बेवकूफ, मैं तुझे आइडिया सोचने बोल रहा हूँ और तुझे भजन गाने की पड़ी है। हाँ, चुपचाप आइडिया सोच।
कॉल की है। अब इससे मोनिका बारिश पूरा एंजॉय कर सकेगी। देखना ये प्लान हमारा सक्सेस हो नहीं है। ये पालकी के वजह से मोनिका के शूज खराब नहीं होंगे और इस अम्ब्रेला के वजह से मोनिका के ऊपर पानी नहीं गिरेगा, उसके बाल भी खराब नहीं होंगे। फिर भी बॉस एक बार ट्रायल कर ले, क्योंकि शादी किसी की भी हो बैंड आप ही का बजता है। हाँ ये बात तो तूने सही की। मैं काम करता हूँ, मैं अभी इस पालकी के ऊपर बैठ के चेक करता हूँ कितनी मजबूत है। अब उठा मोंटू बॉस, अगर मैं आपको उठाऊंगा तो उसके बाद मुझे कौन उठाएगा? अरे बेवकूफ, अकेले मत उठाना, बाकी बच्चों को भी जमा कर और उनको बोल उठाने के लिए। ओके याओ भाइयों, इस हाथी को उठाने में मेरी मदद कर दो। नहीं नहीं हम नहीं उठाएंगे। अरे चुपचाप मोंटू बॉस को उठाने में मेरी मदद करो, वरना मोंटू बॉस से कहकर तुम सबका टिफिन एक हफ्ते के लिए छीन लूंगा। चलो जोर लगा के आईसा, जोर लगा के आईसा। बस अभी हमसे नहीं उठेगा, चलो फ्रेंड्स। अरे एंट्रे, अरे मोंटू बॉस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। हम बेवकूफ हैं। इस पालकी पे तो मोनिका बैठने वाली है और मोनिका तो हल्की फुल्की है, उसे हम दोनों क्या आप अकेले ही उठा सकते हो? क्यों बॉस, तो क्यों हमसे मेहनत करवाई इतनी? हाँ बात तो तूने सही की, चल चलकर मोनिका को बुलाते हैं। मोनिका इस पालकी में बैठकर बारिश का मजा ले सकेगी। मैं वहां होकर भी प्रचंडिका को बाल मित्र को ले जाने से नहीं रोक पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं प्रचंडिका की चालों का सामना कैसे करूं, कैसे समझूं उसे। बालवीर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हार गिरने से नहीं होती बल्कि गिरकर ना उठने से होती है। और हो सकता है आपका अगला वार प्रचंडिका की हार का कारण बने। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ नटखट भाई, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि बाल मित्र, बाल सखी और बाकी सारे बच्चे उसकी कैद में। अगर आप ऐसा मानते हैं बालवीर, तो उन्हें बचा कर लाना भी आपका फर्ज बनता है। और हम जानते हैं कि हमारा बालवीर ना कभी अपने फर्ज से पीछे हटा है और ना कभी हटेगा। लेकिन नानी परी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी हर चाल को चलने से पहले प्रचंडिका को उस कदम के बारे में कैसे पता चल जाता है, कैसे मेरे हर वार को करने से पहले वो उससे बचने के लिए तैयार रहती है। बालवीर आपका हर वार हर चाल इसीलिए बेअसर हो रही है क्योंकि जब भी आप प्रचंडिका को हराने के लिए कोई भी युक्ति अपने दिमाग में बनाते हैं, उस युक्ति को मस्तिष्क का संग्रहण यंत्र पहले ही प्रचंडिका को बता देता है। रानी परी इस तरह तो बालवीर प्रचंडिका को कभी नहीं हरा पाएगा। हराएंगे परियो, अवश्य हराएंगे, क्योंकि इस बार बालवीर अपने दिमाग की हमेशा की सोच से अलग युक्ति बनाएंगे। बालवीर आपके दिमाग के स्वरूप को मस्तिष्क का महासंगणक यंत्र समझ चुका है और इसीलिए इस बार प्रचंडिका को हराने के लिए आपको अपने दिमाग की सोच को बदलना होगा। पहले समझती थी, लेकिन अभी मोंटू बहुत ही कूल है। सच्ची मोनिका, मोनिका तुम बैठो ना उसके अंदर और आराम से बारिश का मजा लो, और उसके बाद मैं तुम्हें गर्मा गर्म पकोड़े और चाय भी लाकर दूंगा। आओ, ओके। एक मिनट। मोनिका
चल रोहित, हाँ पकड़ पकड़, हटो हटो। मित्र बाल सखी और बाकी बच्चों को बचाए बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। आओ बालवीर आओ। प्रचंड लोक में स्वागत है तुम्हारा। आने में बड़ी देर कर, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। सोच ही रही थी कि तुम यहाँ कब आओगे ताकि मैं तुम्हारा अंत कर सकूं। आज किसका अंत होगा इसका भी पता चल जाएगा प्रचंडी का। तुम्हारा अंत कर सकता है भाई, लेकिन इतने आराम से मैं तुम्हारा अंत कर दूं इसमें मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा। बहुत तेज है ना तुम्हारा दिमाग, तो क्यों ना मैं इसे उपयोग करूं अपने फायदे के लिए।